7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज अपना 91वां जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि संन्यास लेने से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, मगर सीएम के समर्थक उन्हें जन्मदिन जरूर शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही इस मौके पर भव्य आयोजन भी करते हैं। आज जन्मदिन के अवसर पर सीएम योगी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया और भगवान का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने ताइक्वांडो ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों से मुलाकात भी की। बच्चों ने गुलाब का फूल देकर सीएम को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। जन्मदिन के अवसर पर सीएम के जीवन पर आधारित पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ का आज विमोचन भी किया गया। इस पुस्तक का विमोचन राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित जयपुरिया स्कूल में लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। ये पुस्तक शांतनु गुप्ता ने लिखी है। अजय टू योगी आदित्यनाथ शीर्षक की ये ग्राफिक नॉवेल को 20 जिलों के 51 स्कूलों में 5000 बच्चों की उपस्थिति के एक साथ रिलीज किया गया। पहली बार इतने लोग एक किताब को एक साथ लॉन्च करेंगे। बता दें, लोकार्पण के समय के माध्यम से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। वही आज यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी है। इस दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की है। उन्होंने कहा, इस बार प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर थीम होने के कारण लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसी के मद्देनजर प्रदेश में आज लाइफ स्टाइल डे मनाया जाएगा। वैसे तो हम सभी योगी आदित्यनाथ के बारे में जानते ही हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी है जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर उन खास बातों को जिनसे आप है अनजान। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक समय पर अजय सिंह बिष्ट हुआ करते थे। उत्तराखंड के थोड़ी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में 5 जून 1972 को उनका जन्म हुआ। सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे और मां सावित्री देवी गृहिणी। अपने भाई बहनों में वह पांचवें नंबर पर आते हैं। सीएम योगी की 3 बड़ी बहनें, 1 बड़ा भाई तथा 1 छोटा भाई है। स्कूल के दिनों से ही योगी आदित्यनाथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया करते थे। शायद इसी कारण हिंदुत्व के प्रति उनका शुरू से ही लगाव रहा। सीएम योगी अक्सर वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करते थे। बता दें कि विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। देश भर से आए कई छात्रों ने उस कार्यक्रम में अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी बात रखनी शुरू की तो लोगों ने उनकी खूब सराहना की। उनका भाषण से महंत अवैधनाथ महाराज भी बेहद प्रभावित हुए थे। महंत अवैधनाथ ने उन समय योगी आदित्यनाथ को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि वो कहां से आए हैं। तब सीएम योगी ने बताया कि वह उत्तराखंड के पौड़ी के पंचूर से आए हैं, जिस पर महाराज ने कहा कि अगर कभी मौका मिले तो मिलने जरूर आओ। बता दें चले कि अवैधनाथ महाराज भी उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। उनका गांव भी सीएम योगी के गांव से 10 किलोमीटर दूर पर था। योगी आदित्यनाथ उनसे पहली मुलाकात से काफी प्रभावित थे। इसके साथ ही उनसे मिलने का भी वादा किया। योगी आदित्यनाथ इस मुलाकात के बाद अवैधनाथ महाराज से मिलने गए गोरखपुर पहुँच गए। कुछ समय बाद फिर से वो अपने गाँव वापस लौट गए। वहां पर जाकर सीएम योगी ने ऋषिकेश में ललित मोहन शर्मा कॉलेज में एमएससी में दाखिला ले लिया, मगर योगी आदित्यनाथ का मन गोरखपुर स्थित गुरु गोरखनाथ की तपस्थली की तरफ घूमता रहा। बता दें कि अवैधनाथ महाराज इसी बीच काफी बीमार हो गए, जिस कारण योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने के लिए पहुंचे। अवैधनाथ जी महाराज ने उस समय उनसे कहा, हम राम जन्मभूमि पर मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस हाल में हूँ, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे मंदिर को देखने वाला कोई नहीं होगा। योगी ने ये सुनकर उनसे कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं गोरखपुर जल्द आऊंगा। इसके बाद साल 1992 में सीएम योगी अपनी माँ को गोरखपुर जाने की बात कहकर अपने घर से चले गए थे, जिसके बाद 1994 में गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर वह योगी बन गए थे। फिर सांसारिक जीवन को त्याग कर योगी आदित्यनाथ ने संन्यास ले लिया था। उस वक्त वह महज 22 साल के थे। इसके बाद महंत अवैधनाथ ने साल 1998
1998 में सीएम योगी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब वह 26 वर्ष के थे। इसी साल योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। सबसे कम उम्र में सांसद बनकर योगी संसद भवन पहुंचे, जिसके बाद साल 1998 से लेकर मार्च 2017 तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद रहे थे। बता दें कि हर बार योगी आदित्यनाथ की जीत का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया, जिसके बाद साल 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। फिर साल 2022 में वह दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बने। तो बनी रहेगी बड़ी खबरों पर हमारी नजर, देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।